पटल पर उनकी अगवानी कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर कहा है कि अटल जी उनके आदर्श थे, उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा, जाना, समझा और उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए वो अटल जी के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना इस देश को न्यू इंडिया के रास्ते पर आगे ले जाकर हर व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का है। अटल जी ने भी अपने कार्यकाल के दौरान जिस भारत की तस्वीर अपने मन में बनाई थी उसमें रंग भरने का कार्य कर रहे हैं देश के मौजूदा प्रधानमंत्री। आज का दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुहृदय, आदर्श नेता, अजात शत्रु, दूरदर्शी, संवेदनशील कवि, पत्रकार, अटल जी के व्यक्तित्व के इतने सारे विविध आयाम हैं कि हर व्यक्ति उनके अलग अलग आयामों से प्रभावित होता है और उससे प्रेरित होकर इस देश को आगे ले जाने में अपना योगदान देने का प्रयास करता है। अटल जी ने कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की थी। उनके कार्यकाल के दौरान ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना था। जिन योजनाओं को अटल जी ने शुरू किया था और जिससे भावी भारत को दुनिया के अग्रणी देशों में ले जाने की पहल की थी, उन सभी को आगे ले जाकर उन सभी के माध्यम से देशवासियों को एक नई राह दिखाने, एक नए भारत की तरफ ले जाने के प्रति मौजूदा सरकार कृतसंकल्पित है। अटल जी की रचनाएं और उन रचनाओं के माध्यम से यहां आने वाले तमाम लोग उनके अलग अलग व्यक्तित्व के पहलुओं से रूबरू होते हैं। वाजपेयी जी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में उनकी महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं स्वर्णिम चतुर्भुज और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को रखा जाता है। अपनी कविताओं के माध्यम से देश की वर्तमान स्थिति और भविष्य की रूपरेखा खींचने वाले अटल जी जननेता के रूप में आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। उनके विचार, उनकी सोच, देश के प्रति समर्पण की भावना हर राजनीतिज्ञ को प्रेरित करती है कि देश के विकास में, देश की प्रगति में वो अपना सार्थक योगदान दे सकें। शांति के प्रहरी और हमेशा अपने कार्यों से शांतिमय वातावरण कायम करने की उन्होंने लगातार कोशिश की। कई ऐसे अवसर भी आए जब देश की संप्रभुता और एकता पर किसी ने आंखें तरेरी तो उसका भी उन्होंने करारा जवाब दिया। अटल जी की सरकार के दौरान हुए करगिल युद्ध में भारत ने विजय हासिल की
और दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत झुकने वालों में से नहीं है। आज शिक्षा पर बहुत जोर दिया जाता है, दशकों से शिक्षा के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकारें प्रयास करती रही हैं, लेकिन वो अटल जी ही थे जिन्होंने सर्व शिक्षा अभियान की पहल की थी। उनकी सोच ही थी कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाए, और उसी से प्रेरित होकर और उनके प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए दशकों बाद देश को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है। सदैव अटल समाधि स्थल की बात करें तो समाधि के निर्माण में देश के अलग अलग हिस्सों से लाए गए पत्थरों का उपयोग किया गया है। इस प्रकार की विविधता में एकता पर जोर दिया गया है। अटल जी पूरे भारत को एक साथ लेकर चलना चाहते थे। माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का आगमन सदैव अटल पर होता हुआ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री उनकी आगवानी करते हुए। सबके आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित करने इस समय सदैव अटल, जो उनकी समाधि है, माननीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मौजूद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भी इस अवसर पर यहां मौजूद हैं। अटल जी पहली बार सन 1996 में 13 दिन के लिए देश के प्रधानमंत्री बने, फिर साल 1998 से 99 तक 13 महीने के लिए दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, अंत में यानी तीसरी बार साल 1999 में वो प्रधानमंत्री बने। माननीय राष्ट्रपति इस समय उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। वो हर किसी के गुरु थे और अपने अग्रज और अपने गुरु के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करने का, उनके प्रति आभार व्यक्त करने का ये एक अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री इस समय पुष्पांजलि अर्पित करते हुए।
अटल जी की अंतिम यात्रा में पूरे देश ने देखा था कि प्रधानमंत्री कितने भावुक हो गए थे, और उन्होंने कहा भी था कि उन्होंने अपना गुरु और एक पिता तुल्य अभिभावक खो दिया है, लेकिन उनके सपने को साकार करने के लिए वो नित्य कृत संकल्पित हैं। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा, अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार के सदस्य, उनकी पुत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, आज श्रद्धेय अटल जी को स्वरांजलि प्रस्तुत करेंगी पद्मश्री डॉक्टर अनुराधा पुड़वाल जी। संगीत और अनुराधा जी मानो एक दूसरे के पर्याय हों। आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अलावा कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ अनुराधा पुड़वाल जी को कि वे संगीत रूपी फूल अर्पित करें श्रद्धेय अटल जी को। तुम आशा विश्वासारे, तुम धरती आकाशारे, तुम धरती आकाशारे, तुम आशा विश्वास। तुम बंधु भ्रात हो, दिवस रात्रि संध्या प्रकाश हो, तात मात तुम बंधु भ्रात हो, दिवस रात्रि संध्या प्रकाश हो, दीपक सूर्य चंद्र तारक भी राम, तुम ही ज्योति प्रकाश हो,
और अब सुश्री कविता पुरवार अटल जी की रचना प्रस्तुत करेंगी। हलो 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 कोई कहे नहीं
और ये अंतिम प्रस्तुति अनुराधा जी प्रस्तुत कर रही हैं। सुझा
अभी अनुराधा जी ने संगीत में श्रद्धांजलि दी श्रद्धे अटल जी को। समता और समरसता की अलख जगाने वाले अटल जी एक साधक थे। वे एक ऐसे युग मनुषी थे जिनके पास काल के कपाल पर लिखने मिटाने का अमरत्व प्राप्त था। अटल जी का पूरा जीवन आदर्शमयी प्रतिभा का ऐसा इंद्रधनुष था जिसके हर पड़ाव पर मौलिकता की छाप देखी जा सकती थी। अपनी गायकी के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल जी को भावभीनी पुष्पांजलि शब्दांजलि अर्पित की। मशहूर भजन गायिका और पद्मश्री से सम्मानित अनुराधा पौडवाल जी ने उनके साथ उनकी पुत्री कविता पौडवाल भी मौजूद थी। सदैव अटल पर आने वाले हर व्यक्ति को अटल जी के जीवन आदर्शों से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है, जानने समझने को का मौका मिलता है। किस तरह संघर्षों के बीच उन्होंने अपना जीवन बिताया, लेकिन उसी संघर्ष में देश सेवा का जो भाव उनके मन में था, उस सपने को भी उन्होंने साकार किया। रास्ते में कई बाधाएं आईं और उन बाधाओं को उन्होंने अपने संकल्प से हराया, संयम से मात दी और प्रधानमंत्री के तौर पर देश को आगे ले जाने में और भारत को नई दिशा देने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अब से कुछ समय पहले अटल जी को उनकी जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की और अब देश की जनता इस समय उनको याद कर रही है। समय एक है नदी की बाढ़ जिसमें सब बह जाया करते हैं, समय एक तूफान प्रबल जिसमें पर्वत तक झुक जाया करते हैं। अक्सर कई लोग इस दुनिया में आया जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। अटल जी एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम स्वर्णाक्षरों से अंकित कर दिया। उनकी जयंती पर एक बार फिर उनको शत शत नमन। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।